दावा क्या है, वो तो आंकड़े हैं, फेंक दो। अच्छा, कुछ भी आंकड़े हैं, जुमलेबाजी है। वो आपने अभी क्या था, अमित शाह ने जुमलेबाजी कर दी। अच्छा, भाई कुछ भी आंकड़े हैं, फेंक दो। अच्छा, रिश्वत गोरी चरम पे है। अच्छा, बीजेपी की सरकार में। अच्छा, मोदी जी के यहाँ है ही क्या? अच्छा, 15 लाख खाते में डाल रहे थे, अभी तक नहीं आए, इंतजार कर रहे हैं। मैसेज देखो, 10 बार देख चुके हैं, आ ही नहीं रहे हैं। 3 बार चुनाव हो चुका है, तब से अभी तक पैसा नहीं आया है। बताइए भाई साहब। अमिताभ सिंह मधौरिया। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार। बेरोजगार है? हाँ जी। पढ़ाई नहीं की आपने? बिल्कुल की है। कहाँ तक पढ़ाई? काम ही नहीं है एमपी में। क्या पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? मैथ। मैथ से? तो अभी आप जैसे आप वैकेंसी भी आप नहीं देख सकते हो जो पुलिस वगैरह की है? देख रहे हैं, उसमें तो बड़े बड़े लोगों का काम होता है। रिश्वत गोरी चरम पे है। अच्छा, बीजेपी की सरकार में। अच्छा, मोदी जी के यहाँ है ही क्या? अच्छा, 15 लाख खाते में डाल रहे थे, अभी तक नहीं आए, इंतजार कर रहे हैं। मैसेज देखो, 10 बार देख चुके हैं, आ ही नहीं रहे हैं। 3 बार चुनाव हो चुका है, तब से अभी तक पैसा नहीं आया है। बताइए भाई साहब। अच्छा, ये तो एक, चलो वो अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो एक भाषण देने का तरीका, ये जुमला है। अब जुमला से अगर सरकार चलेंगी तो फिर हम लोगों का ऐसे ही होगा, बेरोजगार घूमेंगे 35-40 साल पे, और क्या होगा। अब वो तो ये भी कहते हैं, हमने 2014 में कही थी ये बात, आपने फिर 2019 में क्यों जिताया? 2019 में हमने कहाँ जिताया? कुछ लोग हैं। अच्छा, जो जिनको मंदिर चाहिए। हाँ, जिनको ये पाकिस्तान को मुंह में डाल दो, पाकिस्तान में ये कर दो, चाइना में ये कर दिया, तो वो कर दिया, उन मुद्दों पे होगी सरकार। आप मंदिर बन रहे हैं, लोकल के मुद्दे बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अच्छा, लोकल में ये है, यहाँ पढ़ाई चाहिए। हाँ, यहाँ सड़कों की हालत देख रहे हैं आप? अभी 10 फीट जाइए मोहल्ले में, अंदर इतने हो जाओगे, अंदर तक पानी भरा हुआ है। अच्छा, आप भी यहाँ आए रोड पे, 92 पे आए, घूम के चल दिए। अच्छा अच्छा, अंदर जाइए ना मोहल्ले में, क्या हाल है वहाँ रियल में, वहाँ पे स्थिति जानिए क्या चल रहा है वहाँ रोड वगैरह पे। हम लोग और स्कूलों में शिक्षा का हाल क्या है, आपको पता है? शिक्षा में 50,000 रुपए फीस चल रही है, अफोर्ड कर पाएगा हम आदमी? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? सरकारी स्कूल में कोई जाता है? टीचर घूम रहे होंगे, यहीं कहीं बैठे होंगे। अच्छा, और क्या, आप सुबह टीचर आते हैं, देखिए टीचर यहीं पूरे लाइन लगा के बैठते हैं टीचर। अच्छा, और टीचर टीचिंग नहीं कर रहे हैं, टीचर को पॉलिटिशियन बनना है। अच्छा, हाँ, यहाँ लोकल के टीचर हैं कई लोग। अच्छा, देखिए आप। अच्छा, आपने ये कहा कि ये मंदिर का मुद्दा उठा दिया, पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया, आप लोगों को आपका भाई पाकिस्तान चाइना जो बातें हैं यार, वहाँ ठीक है, दिल्ली में बैठ गए, यहाँ की बात करिए। अच्छा, यहाँ जोशीनगर में यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, आदमी रोजगार के लिए अहमदाबाद जा रहा है 1000 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ काम है, पलायन कर रहा है। पलायन कर रहा है किस बात के लिए कर रहा है? कोई जिम्मेदार है? कोई बताने के लिए तैयार है यहाँ? अच्छा, कोई नहीं बताने के लिए तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं आप अपना स्टार्टअप करो, कुछ नया काम शुरू करो, आप कर सकते हो उसके भाई लिए? नया काम के लिए पैसा चाहिए, कौन दे रहा है पैसा? लोन दे तो रहे हैं वो। कौन दे रहा है लोन? सरकार लोन नहीं दे रही। कहाँ दे रही है बताइए, दिलवाइए। अच्छा, अगर मोदी जी कह रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं, सरकार दे रही है पैसा, दिलवाइए पैसा, हम खड़े हैं, दिलवाइए। तो नहीं, वो तो ये दावा करते हैं ना आप युवाओं को लोन? दावा क्या है, वो तो आंकड़े हैं, फेंक दो। अच्छा, कुछ भी आंकड़े हैं, जुमलेबाजी है। वो आपने अभी कहा था, अमित शाह ने जुमलेबाजी कर दी। भाई कुछ भी आंकड़े हैं, फेंक दो। अच्छा, सरकार क्या है? कांग्रेस भी तो ये कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, हम 500 का सिलेंडर करेंगे, 1500 रुपए महिलाओं खातों में देंगे, 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे। भाई पूरी व्यवस्था ही करप्ट है, कोई कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है। 70 साल में हम यहाँ पहुँचे हैं, इस कगार पे हैं कि आज 65% आबादी युवाओं की है। हाँ, 30 से नीचे पूरे दिन यही आंकड़ा मोदी जी के मुंह से सुनते हैं सारे लोग। हाँ, लेकिन कर क्या रही है वो आबादी? अच्छा, वैसे तो ये है ना। हाँ, वो आबादी कर क्या रही है? अच्छा, वो आदमी अहमदाबाद जाके हाँ, फैक्ट्री में पुट्टी, कोई कुछ कर रहा है, ये कोई वैसे यहाँ लोकल में क्या चल रहा है ये तो है। आपके दोस्त वगैरह जो होंगे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनमें किसी को जॉब मिली? कहीं कोई जॉब नहीं है। अच्छा, आपको पता है, एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं, आपको नहीं पता होगा, हम एक आंकड़ा बताते हैं। हर साल ग्रेजुएट होता है 1 करोड़ आदमी इंडिया में, और उसमें से कितने लोगों को 50,000 का 50,000 महीने का पैकेज मिलता है, बताइए एवरेज है आपके पास? नहीं, मेरे पास डाटा नहीं है। 10,000 लोगों को? 10,000। और ये कहाँ गए? 99 लाख जो 98,000 जो लोग हैं, ये कहाँ गए बताइए आप? अच्छा, हाँ, अच्छा, ये कहाँ जाते हैं? जो उन्होंने एक बीच ये अहमदाबाद में पुट्टी कर दी, हम बता रहे हैं आपको। हाँ, ये है रिजल्ट। अच्छा, ये एक वो ये भी बात कहते हैं कि एक नजरिया बदलने की भी जरूरत है, जैसे कोई चाय बना रहा है, कोई दुकान कर रहा है छोटी मोटी, नजरिया किस बात के लिए बदला जाए? पैसा चाहिए उस काम के लिए। अच्छा, ये नहीं है कि रातों रात खोल लिए और हो गया चमत्कार, ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ, आपको लग रहा है जो लोन वगैरह है वो भी बहुत आसान नहीं है लेना, है ना? तो लोन आसान होगा जब आसान बांटा जा रहा हो। लोन तो जा रहा है गुजरात में। अच्छा, लोन कहाँ जा रहा है? लोन का रेशियो भी नहीं पता होगा आपको, हम बता
बता दे रहे लोन लोन का ये है कि जो भी यहाँ से पैसा बैंकों में जाता है लोग एफडी कराते हैं वो पैसा मुश्किल से 45% पैसा एमपी का एमपी में रहता है अच्छा। और 55% पैसा गुजरात महाराष्ट्र में जाता है बिजनेसमैनों के लिए। ये आपको हम बता रहे हैं आपको कहाँ से आंकड़ा निकाला कहाँ से आंकड़ा यहाँ से मोदी जी और अमित शाह आंकड़े निकालते हैं वहीं से हम भी निकालते हैं। अच्छा, तो आप ये सेवा में नाराजगी है काफी ज्यादा है ना भाई? नाराजगी नहीं है, जो हम हैं काम के लिए हमें तो काम चाहिए, काम जो लोकल में काम मिल जाए वो काम ठीक है, समझे बात को? अभी हमें जाके 40,000-50,000 रुपए में काम मिल रहा है कहीं जाके बाहर, समझिए आप, तो वहाँ के जाके 10,000 रुपए का भाड़ा हो गया, रहना हो गया 10,000 रुपए का, और फिर इधर उधर आना जाना हो गया, कौन अफोर्ड कर पाएगा भाई? दूसरे शहरों में लेबरी करना ठीक है, यहाँ लोकल में मिल जाए वो ठीक है, 12-15 हजार का काम नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। आपने एक योजना सुनी होगी, शिवराज सिंह जी ने अनाउंस किया है कि जो ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है उन लोगों को 8,000-8,500 रुपए मिलेंगे, आपको पता चला है कुछ भाई जी? 8,000-8,500 एक बार उन अपने शिवराज जी के भी लड़के बच्चे होंगे और जो विधायक उनके भी होंगे, उनको इन योजनाओं में काम करते देखा है आपने कभी? उनने कभी फॉर्म डाला है किसी चीज का? उनने कभी देखा आपको उनका क्या काम है पता? आपने पता किया कभी? नहीं। आप नहीं पता करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि उनका काम क्या है। तो आप कहीं ना कहीं जो आपकी नाराजगी है वो वोट डालते समय दिखेगी? तो बिल्कुल दिखेगी, वो तो है ही, स्वाभाविक है। अच्छा, तो आपको संभावना लग रही है कांग्रेस आएगी? कांग्रेस की संभावना लग रही है? कांग्रेस बीजेपी ये सारा खेल है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, हम आपको बोल रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी तभी आपको लग रहा है बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होगा भाई? कांग्रेस के ऊपर से आएगी और आगे सीधे आएगी, घोड़ा लेके चल देगी और सब कुछ हो जाएगा। सरकार नहीं बदलोगी तो सरकार पर प्रेशर कैसे पड़ेगा? फिर वही बात कर दी आपने भैया, सरकार बदलने ना बदलने का विषय नहीं है, सारी व्यवस्था ही करप्ट है, हम आपको बोल रहे हैं। अच्छा, समस्या यहाँ है। ठीक, आपकी बात से सहमत है कहने की, तो आप लेकिन चाह रहे हो बदलाव हो, है ना? बिल्कुल हो, क्यों ना हो, और भी लोग। नमस्ते दादा, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या काम करते हैं आप? धंधा करते हैं। ये दुकान आपकी है? ये नहीं, आगे दुकान है। और अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? ऐसे किराने की है। किराने की? हाँ। कैसा काम काज चल रहा है? ठीक ठीक चल रहा है। ठीक ठीक चल रहा है। हाँ, तो कई लोग ये कह रहे हैं लॉकडाउन के बाद काम डाउन हुआ है, आपका भी फर्क पड़ा है? काम लॉकडाउन में काम डाउन था, आप तो मतलब ठीक है, गाड़ी अब ठीक चल रही है? हाँ, ठीक चल रही है। अच्छा, ये सरकार शिवराज सिंह जी की कैसा काम कर रही है? अरे इनका काम अच्छा थोड़ा ही है। अच्छा नहीं क्या क्या नाराजगी है? का मतलब जो है कोई योजना है मतलब सफल नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे मैंने सैनिक स्कूल, मैंने की बाईपास, हाँ, नगर निगम, हाँ, फलाना, वो तो सब गाँव का, हाँ, लेकिन भाव कुछ नहीं है। अच्छा, चंबल एक्सप्रेस वे निकल रहा है आपके बगल से? कहाँ है, आगे से निकल रहा है? निकल तो बहुत समय से रहे हैं। अच्छा, यहाँ नगर निगम बहुत समय से सुन रहे हैं, नगर निगम हो रही है, आज तक नगर निगम नहीं भाई हो। मेडिकल कॉलेज में नहीं गएगा, कहाँ है? सैनिक स्कूल है, कहाँ माला नंबर बदलो, यानी कहने का कागज में सब कुछ हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, समझ रहे हैं आप? अच्छा, जो आप देख रहे हो आगे से। अच्छा, पिछले 18 सालों से बीजेपी की सरकार है लगभग, और तो लोग कई लोग ये कह रहे हैं कि एक सरकार बनी रहती है इसलिए वो अपने मन की कर रहे हैं लोग, माने कि यानी कि नहीं उतना प्रोग्रेस नहीं हो रही भिंड चेहरे की, खास कर भिंड की नहीं हो रही। तो आप क्या चाह रहे हो, इस बार बदलाव हो? अब हम क्या कह सकते साहब इसमें, हमारे करें क्या होता है बदलाव? आप अब जैसे आम लोगों के हमारे पीछे आपने सुना चर्चा कर गए, लोग ये कह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, सब तरह से है, जब क्या होगा साहब, जो आगे बढ़ा। तो आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ सकती है, संभावना लगी? नहीं साहब, संभावना कुछ नहीं, बीजेपी की 50-50 है। चलो, आपका नाम क्या दादा? श्री कृष्ण। क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। खेती, सरसों क्या रेट बिकी इस बार? सरसों साहब बहुत मजदी गई, गाना तो बेचना पड़ी 4500। तो ये कह रहे हैं कि 6,000 थी, आप लोग रखे रहे? नहीं साहब, रखे रहे फिर बेचना पड़ी। 10,000 आप लोग जाग मार रखे रहे? नहीं, हाँ नहीं हुई, नहीं हुई, लालच के मारे हुई। हाँ, लालच के मारे क्या, उसमें लागत भी नहीं निकल रही थी। अच्छा, अब तो आप फिर फसल भी कम हल्की हुई। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था? जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन पहले तो हुआ था, इस साल नहीं हुआ था। इस बार नहीं हुआ? अच्छा, इस बार क्या दिक्कत आई? वही भाड़ में और पैदावार दोनों में अंतर आ गए। अच्छा अच्छा, तो फिर आपको सस्ते में ही बेचनी पड़ी फिर? सस्ते में बेचनी पड़ी साहब, तो इस बार में 45 में। इस बार शिवराज जी बनेंगे मुख्यमंत्री? अब जो तो कहना मतलब किसान तो सब नाराज हैं, कह रहे हम तो कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। देखो क्या होता है साहब, हमारे कहने से है, हमने कई किसानों से बात की है तो किसान तो काफी नाराज है इसी वजह से। किसानों को साहब शिवराज ने कहना बहुत से पैसे दिए,
देने पे मालूम नहीं, वो दिए थे अपने उन्होंने क्या ना आपको रुपए मिले मिली थी एक दो किस्त मिली बंद कर दी। हाँ साल पे मिलते हैं। हाँ अब नहीं मिल रहे हैं नहीं। वोट दोगे तो पूछ लियो खाली वोट तो दे दे ही वो बता दे रहे वो अब वो पूछ रहा था किसे वोट दिया जाए। हम तो साहब देखो हमको जो फायदा देगा उसी को वोट जाते हैं। आप भिंड के भिंड विधानसभा के ही हो। हाँ यहाँ पे कह रहे हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा को अगर टिकट दी जाए वो जीत जाएंगे। नहीं साहब जो सर इसमें हम यहाँ पर भिंड में साहब हम क्या कहें ज़्यादा से जाति बात ज़्यादा चलता है। ये बात सही है नरेंद्र सिंह कुशवाहा अगर आते हैं तो अरे साहब इससे कुछ नहीं कह पाएंगे हम। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जेपी शर्मा। अच्छा आप क्या काम करते हैं? मैं तो इसमें हूँ सत्रह बटालियन में हूँ। सत्रह बटालियन में हूँ। अच्छा गवर्नमेंट जॉब है जी जी। अच्छा तो आप तो गवर्नमेंट के बारे में सवाल ही नहीं। मैं तो शिवराज से अच्छा और किसी को बता ही नहीं सकता। मजबूरी हमारी।